रजीम बरीम सल्लाया अबा अब्दुल्ला इमाम हुसैन आलाम फोर इंटरनेशनल टी वी करबला मोला से इस वक्त आप प्रोग्राम आर फत मनतजर अजल्ला ताल फरजशरीफ मुलायजा फरमा रहे हैं आखिर अयाम सफरजान है और अयाम आजा तकरीबन इंतहा पर है और इस इसवान से मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि ज़ाहरी तौर पर और आपस में मिल बैठ के आज़ादारी के दिन ज़रूर अख्ताम पर है लेकिन जो इंसान के वजूद में जो करबला है और जो आज़ादारी का नक्शा है और इमाम बरगा है इस तरीके से इसको ताबीर किया जा सकता है उसको सारा साल आबाद रखना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे वजूद में गम हजरत सैद शहदा सलात वसलाम हमेशा के लिए होना ज़रूरी है और इस गम को हम अपने कबर तक लेके जाए ये हमारे पास और हमारे मकतब में ये कामयाबी का कामयाबी की ज़मानत यही चीज़ है अब दूसरे जो लोग हैं वो ज़ाहिर है कि इस बाब में तमस्खुर भी करते हैं बहुत सारी बातें भी बनाते हैं वो कहते हैं ये तो दीन ही नहीं है इसमें तो सिर्फ रोना धोना है लेकिन हकीकत बात यह है कि हमारे पास जो हमारे मकतब में जो मतूल है और जो रिवायात है जो अहादीस है और राम है अकाबरीन है वो इन ही चीज़ों को बयान फरमाते रहे और बल्कि हमारे आयम अतःार की सुन्नत है कि सैद शहदा सलाम पर सारी जिंदगी गिरिया किया जाए हमेशा जो है वो रोया जाए और इसकी अबतदा जो है वो यकीन खुद रसूल्लाह ने शुरू फरमाई थी उस वक्त से कि अभी सैद शहदा सलाम की शहादत वाक़ नहीं हुई थी और उसके बाद अमीरमिन ने इस सुनत को जिंदा रखा और बहुत सारे वाकत मौजूद है कि हजरत अमीर अमोमिन ने गिरिया फरमाया है और हत हसरत इमाम हसन मुशतबा सलात वसलाम के जिनके वसीयतों में से एक वो तावीज़ जो कहा गया था कि मेरे बाद इसको हजरत कासिम इबन हसन मुशतबा अलैहिस्सलाम उनके बाजुए मुकद्दस पर इसको बांध लिया जाए और करबला के दिन इसको खोल दिया जाए यानी खुद ये हजरत जो हस्ती है हजरत कासिम इब्ने हसन मुशतबा सलाम ये खुद जो है वो हजरत इमाम हसन सलाम के नियाबत में करबला में मौजूद थे यानी वसीयतों में से ये चीज़ थी और फिर उसके बाद हजरत इमाम सज्जाद वसलाम तो मरूफ है गिरिए के हवाले से और जो जो मुनसिब मिजाज ओलमा है अहले सन्न में वो भी ये तस्करा करते हैं कि वाक सैद सज्जाद ने गिरिया फरमाया है और उसके बाद जो है बाकी आए मैथान सलाम और हती हमारे वक्त के हजत हजरत बकयत ला रोही व अरवाहना लाहफिदाजल्ला तरजह शरीफ उनके बारे में भी बहरहाल रवायात मौजूद है और जीारत नाहिया में जो तस्करा है कि हजरत ने किस तरीके से वो गिरिया फरमाते हैं और सारा साल गिरिया फरमाते हैं तो ये हमारे अपने अकीद की बात है बाकी जो दूसरे लोग हैं उनके साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है और सिर्फ इंसानियत का वास्ता बाकी लोगों के साथ है मगरना हकीकत बात यह है कि हमारे मकतब और हमारे रिवायात वो जो है दूसरे आफकार से मुख्तल है तस्कर हजरत इमाम ज़माना अजल्ला फ़रजहु शरीफ़ का कर रहे थे और आयात कुरानी में जैसे वारद है खुद दीन इस्लाम की बात अगर की जाए आयात कुरानी में वारद है हो वल अरसल रसूलू बिलहुदा वदीन हक़ फरमाया कि वो जिन्होंने अपने अरसला रसूल रसूलू जिन्होंने अपने रसूल को भेजा बिलहुदा हिदायत के साथ व दीनक और हक दीन के साथ दो चीजें यानी खुद जो है अपने रसूल को उन्होंने जो उम्मत की तरफ भेजा है खिलकत के लिए खिलकत को के हिदायत के लिए भेजा है और हक दीन के साथ भेजा है मकसूद जो है इस रसूल को भेजने का यही है कि ये खुदा का नुमाइंदा है और लोगों की हिदायत करने किस लिए फरमाया लियोजेराू लियोज है अला दीन कुल्ले ही कि वो अपने दीन को ये जो दीन है दीन इस्लाम इसको जो है वो तमाम अदियन के ऊपर ज़ाहिर कर दे यानी गालिब कर दे तमाम अदियन के ऊपर अला दीन कुल्ले ही तमाम के तमाम अदियन के ऊपर इस दीन को ज़ाहिर कर दें गिब कर दें वलव कर हल मुशरकून हत अगर मुशरिकों को यह बात बुरी ही क्यों ना गुजरे नारावा क्यों ना गुजरे उनको जो है बड़ी तकलीफ ही क्यों ना हो जाए दीन इस्लाम को अल्लाह ने रसूल को भेजा ही इसी वजह से है कि हो कि इस दीन को इस दीन को गालिब कर दे आला दी ने कुल तमाम के तमाम अदियान के ऊपर इस दीन को ले जहरा हो यानी इसको गालिब कर दे ज़ाहिर कर दे तमाम अदियन के ऊपर वलाओ करे हल मुशरकू वालाओ मुशरिकीन जो है उनको बड़ी तकलीफ ही क्यों ना हो जाए ये दर हकीकत ये आयात से आयात ये आयत जो है आ, दर हकीकत अगर इसको गौर से इंसान मुलाहज़ा करे और गौर से इसको देख ले तो बहुत ही अजीब आयत है सूरह तोबा तूब, की आयत है सूरह तोबा आयत नंबर तैंतीस है और ख़िदमत में अर्ज करूँ कि इस पर जो इस्तलाल कर चुके हैं महदवियत के आयात में से एक किताब है हजरत आयतुल्ला उजमा सैद सदक हुसैनी शराजी हफज अल्लाह तमहदी व ये किताब जो है बड़ी बड़ी उम्दा किताब है उसमें तकरीबन एक सौ से ऊपर आयात जो है इनको जमा कर दिया गया है और इस्तेदलाल की गई है कि ये आयात जो है वो महतवीत यानी हजरत इवम ज़माना जल्लाह तरजोशरीफ के ूर के ऊपर उनके जो है जो जो दूसरे जहूर के बाद जो वाकयात होने हैं रजअत है या दूसरे जो वाकयात होने हैं उसके ऊपर ये आयात जो है वो मरबूत है ये आयत भी उसमें है होल्लाजी अर सल रसूल बिलहुदा दीन अल हक ये आयत भी उसी में से है यानी इसमें जो है अगर देख लिया जाए यानी रसूल्ला को भेजने का मकसद ये है कि दीन को गालिब कर लिया जाए आज के इस आमार के मुताबिक जहां मर्दम शुमारी होती है मर्दम शुमारी के मुताबिक आज के इस दौर में इस्लाम जो है वो किस कदर है कितने लोग जो है वो मुसलमान हो गए कितने लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया हता इस्लाम में फिर ये चीज भी है कोई एक गैर गैर मजहब का आदमी अगर इस्लाम कबूल कर लेता है वालाओ शून्य हो जाता है मतलब सुन्नी इस्लाम वो कबूल भी कर लेता है पूरे के पूरे सोशल मीडिया पे जो है हंगामा लोग कर देते हैं फलाम बंदा अलहमदुल्ला अल्लाह वो फलाम बंदा जो है वो मुसलमान हो गया एक मुसलमान पे इतनी ज्यादा खुशी की जाती है लेकिन फिर भी जो आमार हमारे पास मौजूद है कई दीन है हमारे पास मैं एक मुख्तर सी बात कर रहा हूं बाकी आप खुद भी इस, चीज पर जो है जो जो हमारी जवान नस्ल है वो ज्यादा इन चीज़ों में दिलचस्पी उनको लेनी चाहिए और उनके मालूमत भी अच्छे होते हैं गूगल के ऊपर सर्च करने में भी माहिर होते हैं मैं खिदमत में अर्ज करूँ कि जो दीन है सबसे सबसे ज्यादा जिस दीन की पैरवी की जाती है कौन सा दीन है वो वो दीन जो है दीन मसीह है जिसको हम ईसाई कहते हैं सबसे ज्यादा लोग इस दीन के फॉलोअर हैं और यूरोपियन कंट्रीज में आप जाए जाएंगे अमेरिकन कंट्रीज में जाएंगे ऑस्ट्रेलिया जाएंगे बल्कि एशिया में भी ये ये दिन जो है वो बहुत ही ज्यादा मकबूलीत इसको हासिल है क्रिसमस डे आप देखते हैं और बहुत सारा बार सिस्टम भी इन्हीं लोगों के पास है काफी सारे सिस्टम क्रिसमस डे पर आप देख सकते हैं कि आपके मोबाइल के ऊपर आप मुसलमान भी होंगे कटर मुसलमान भी होंगे फिर भी आपके लिए मुबारकबाद के मैसेज आ जाते हैं सिस्टम है इनके पास सबसे ज्यादा फॉलोवर जो है वो इस दीन के हैं अब यहीं से यह अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह ने जो फरमाया कि लियो मैंने अपने दीन को रसूल्लाह को भेजा है ताकि यह दीन तमाम दिनों के ऊपर तमाम दीनों के ऊपर ये दीन जो है वो जाहिर हो जाए और गालिब आ जाए तो आप यहीं से अंदाजा करें इंसाफ के साथ बताएं कि क्या इस्लाम जो है वो आज मसीहियत के ऊपर गालिब है कोई भी बाशूर आदमी यही कह देगा कि नहीं गालिब दीन जो है वो जो सबसे ज्यादा फॉलोवर है वो मसीहियत के हैं मुल्क भी उनके अच्छे हैं हमसे हमारे पास जो हमारे मुल्क है वो लो क्वालिटी के मुल्क है उनके पास हाई स्टैंडर्ड के मुल्क है पैसा भी उनके पास ज़्यादा है हमसे तब अन और दूसरे एतबार से उनके पास जो आशिया के कारखाने जो बनाते हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी है उनकी हमसे काफ़ी मजबूत है हमारे पास क्या टेक्नोलॉजी है वहीं से तो आती है टेक्नोलॉजी हम फिर खरीद के अपने मुल्कों में वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं पता चला कि हर एतबार से वो हमसे ताकतवर है दीन भी उनके फॉलोअर ज्यादा है दूसरे नंबर पर दीन है इस्लाम मसीहियत के बाद जो दूसरे नंबर का ऐसा दीन है वह है इस्लाम इख्तलाफात के साथ इख्तलाफात के साथ अवलन तो बहुत सारे फिरके हैं इस्लाम के अब मैं आपको क्या बताऊं कि जो हदीस है बहत्तर त्रिहत्तर फिरकों वाली उसको हटकर भी अगर हम इस दौर में निगाह करेंगे तो बहुत सारे फिरके मौजूद हैं बहुत सारे फिरके हैं बहुत फिरके हैं ये गलत बात है कोई कहे दो हैं एक शिया है और एक सुन्नी है ये ये चीज़ जो है काबिल काबिल फहम नहीं है <स्थाँ> बहुत सारे लोग हैं मुख्तल फिरकों के लोग हैं मौजूद हैं इस्लाम में भी लेकिन अगर हम बिलफर्ज ये भी कहें कि इस्लाम तो इस्लाम है अब छोड़ दीजिएगा कोई मसला नहीं फिर भी मसीहत गालिब है और एक मर्दुम शुमारी जो हुई थी दीनी एतबार से कहा दुनिया का पांचवा शख्स मुसलमान है चार काफिर है <स्थाँगाँ> यानी चार लोग जो है वो कुफार में से हैं और एक जो है वो मुसलमान है गौर करें चार काफिर एक मुसलमान क्या कहेंगे अल्लाह का वादा है अल्लाह कोई नावज्ला कोई झूठे वादे फरमाते हैं फरमाया जहरा हुद अला दीन कुल ही वलौ कर हल मुशरिकुन। हम अपनी दीन को गालिब कर देंगे रसूलुल्लाह को भेजी इसलिए रहे हैं कि अपने दीन को हमने गालिब करना है तो क्या अब जो है ये दीन गालिब है कोई भी आदमी यही कहेगा कि भाई चार कुफार है एक मुसलमान है कहाँ गालिब है ये दीन ये दीन तो गालिब हो ही नहीं सकता चार काफिर एक मुसलमान गालिब हो गया गालिब उस वक्त होता कि कम अज कम तीन जो है अगर पांच बंदे हैं तीन मुसलमान होते दो काफिर भी होते तो फिर भी हम कह देते कि हाँ ये जो है वो आ, सही है बात जो है वो ठीक है लेकिन ऐसे हालात में नहीं कह सकते अब आप ये गौर करें कि खुद रसूल अल्लाह जो आए हैं अल्लाह का वादा भी सच्चा है इसी वजह से तो हम कहते हैं कि रसूल अल्लाह कि आज तक जो है नाइबीन यहां पर मौजूद है दूसरे लोगों ने कह दिया नाइबीन खत्म हो चुके हैं बस आप कुरान पढ़ो हमने कहा नहीं अभी तक बात खत्म नहीं हुई और हताइए आयत कुरानी आयत कुरानी इसको भी तो मुहक होना है जब महा खोना है तो ऐसे हम महा हुआ जैसे आज के हालात हैं हम ये कहते हैं कि ये आयत हजरत इमाम जमाना अजल्लाह ताल शरीफ़ के की शान में है दीन रसूल उस वक्त गालिब आ जाएगा कि जब हजरत इमाम मेहदी अजल्लाह ताल शरीफ़ जहूर फरमाएंगे अब यहां पर जो शिया कंसेप्ट है वो सही है हम कहते हैं ना कि हजरत जब तशरीफ लाएंगे और इस कदर उनका इंतजार ही तो इसलिए कर रहे हैं हम लोग अब एक चीज इसका फलसफा इंतजार का एक फलसफा ये है कि हम चाहते हैं कि दीन इस्लाम तरक्की कर जाए दीन इस्लाम सब सबादियान के ऊपर गालेबाजाएल एतबार से भी हम गालेबाज आए इकतसादी हवाले से भी हम गालेबाजाए इनफरादी एतबार से भी हम गालेबाज आए इज्तमाहीबार से भी हम गालेबाजाए और 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 उलूम के अतबार से भी हम गालेबाज है हम तो यह कहते हैं अल्लाह जो है वो दीन इस्लाम गालेबाज है लोगों के ऊपर अब यहां पर जो है बात सामने आ जाती है कि जो नजरिया है इस कदर जो इंतजार हम कर रहे हैं वो उसी दीन के दीन खुदा के फरोह के लिए कर रहे हैं कि दीन इस्लाम जो है उसकी फरोह उसी वक्त मुमकिन है जब हजरत तशरीफ लाएंगे इस आयत के मुताबिक वरने इसकी और कोई तफसीर हो ही नहीं सकती कहां से गालिब करोगे कोई उम्मीद रह गई है हमारे पास एक दिन से दूसरे दिन इस्लामी ममाले के हालात खराब होते जाते हैं उठ जाता है मूल को जो है उठा लेते हैं फलाना यह है फलाना यह पता चल जाता है सबसे बड़ा गद्दार वही था जिसको हम ईमानदार समझ रहे थे तो बात यह है कि जहां शिया का नजरिया है नजरिए नजरिया महदवियत वो यहाँ पर जो है वो सादक आ जाता है यहीं पर ही लोगों को समझ आ जाती है बात की कि ये जो बात है इसमें दम है वगर ना आपके पास बाकी तो कोई भी उम्मीद नहीं है किस चीज़ के ऊपर उम्मीद लगा के बैठे हो कहेंगे भाई अल्लाह के तो हम तो कहते हैं अल्लाह ही तो लेके आएंगे अपने खलीफा को भेजेंगे एक ही रात में हजरत के लिए एक ही रात में हजरत के लिए कुछ ऐसे वसाइल फराहम हो जाएंगे कि तशरीफ लाएंगे और पूरे दुनिया के ऊपर जैसे आयत को हमने उस दिन भी आपकी खिदमत में आ, हमने तिलावत कर दी थी कि हमने इस तस्करे को जबूर में और उससे पहले तौरत में नाजिल कर दिया था बता दिया था आपको और आपको जो है वो हमने जो है वो पहले भी बताया है कि या रोहा इबा अर्ज़ या रसोहा इबाद या साल के, के अल्लाह के कुछ नेक बंदे जो है जमीन के ऊपर हुकूमत करेंगे हमने तो आपको बता दिया था लेकिन आपको समझ नहीं आई कौन है वो नेक बंदे अलबत् इस चीज के ऊपर मैं जरूर कहूंगा कि ये फकत जो है वो आ, महदवियत का तस्करा सिर्फ और सिर्फ हमारी किताबों में नहीं बल्कि दूसरों की किताबों में भी मौजूद है लेकिन जो सराहतन और जिस अहमियत का हामिल हमारे पास है वो आपको किसी और जगह पे नहीं मिलेगा क्योंकि बात यह है कि उन्होंने तो रसूल्लाह की नुमाइंदगी खत्म कर दी है ना उनके हाथों तो रसूल्लाह का और कोई नुमाइंदा ही नहीं है मासेवा कुरान वो कहते हैं खलीफा खलीफत तो है वो कुरान है बाकी जो वो है वो तो खत्म हो चुके हैं हमारे पास जो निजाम है और जो गुफ्तु है वो अकल के मुताबिक है जैसे इस आयते करीमा में है कि हजरत जब जहूर फरमाएंगे उस वक्त ये निजाम जो है वो सही हो जाएगा उस वक्त जो है वो ये चीज़ जो है वो वाज़े हो जाएगी कि हक हाँ पर कौन है और बातिल पे कौन है तो ये एक नहायत ही दिलचस्प बहस है कि कुरान में जो वादा है उस वादे का वो वादा तब ही सच्चा हो सकेगा कि जब हजरत तशरीफ लाएंगे उसके अलावा तो बाकी तो कोई उम्मीद है ही नहीं किस चीज के ऊपर उम्मीद है उम्मीद बाकी नहीं की जा सकती मौजों के ऊपर उम्मीद है तो मौजा भी वही है हम तो कहते हैं मुआजा भी अगर उम्मीद अल्लाह का मुआजा आपका है तो वो भी वही है वो अल्लाह का तो मुआजा है वगर तो ना इस कोफर की इस दुनिया में एक शख्स जो है वो क्या पूरे के पूरे दुनिया के ऊपर गालेब आ जाएगा मुश्किल है आम हालात में मुश्किल है अल्लाह का मुआवजा है तो हम इसी चीज के ऊपर जो बारहा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं और कह चुके हैं कि जहूर जो है इमाम जमाना जल्लाह तरज शरीफ का जहूर उसकी क्या अहमियत है वो यही है इंतजार का फलसफा भी यही है कि हम ये चाहते हैं कि दीन खुदा जो है वो मजबूत हो जाए दीन खुदा जो है जो वादा अल्लाह का है वो पूरा हो जाए और यकीनन इंसानियत की बेहतरी और बशरीत की बेहतरी बल्कि कुफार गैर कुफार कोई भी हो एक चीज़ यहाँ पर मैं वाज़े कर दूं कि ये जो आयत है हेर के अल्लाह जो है वो गालिब कर देगा तमाम अध्यान के ऊपर गालिबा जय इस्लाम ऐसी इस ये काति मराद नहीं है कि कतल उगारत हो जाए या लोगों को तकलीफ पहुँच जाए किसी के ऊपर ज़बरदस्ती जो है दीन को मुसलत किया जाए ये चीजें नहीं हैं बल्कि कुरान ने खुद फरमाया कि डरने की जरूरत नहीं है ये जो हमने कह दिया ना लियोजरा अला दीन कुल ही इससे ये मुराद नहीं है फिर फरमाया फरमाए कराफ दीन दीन में जबर भी नहीं है यानी आप लोगों को तंग नहीं करेंगे तंगी ही आपके लिए नहीं लेके आएंगे लेकिन ये जो है वो कोई और तरीके से है आज की इस दुनिया में जो लोग तरक्की है उनका कोई दीन भी है उन्होंने कोई कत्लोक की है नहीं अपने खुद के बलबूते के ऊपर अपने खुद के मेहनत के ऊपर वो इस आ, मकाम तक यकीन पहुंच जाते हैं तो हमारा भी यही है कि खुदा जो है वो किसी को कत्ल उगारा थोड़ी ना करेंगे जैसे आज के इस दौर में कुछ मुनाफिकीन उठ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इस्लाम जो है वो तलवार के बलबूते पर पहल चुका है हमारे पास जो दीन इस्लाम है जो अहलुलबैत वसलम और हजरत अमीरमोमी सलाम का इस्लाम है जो रसूल्ला सल्ला का इस्लाम है उसमें कहाँ किस मुल्क पर हमला हुआ है वो कहते हैं हमले तो हुए हैं अरमानिस्तान पर हमला हुआ है मसलन उसके अलावा जो है ईरान पर हमला हुआ है तो हम कहते हैं वो खुलाफा के दौर में हुआ है हमारा जो है वो दीने हमारा दीन अहलुलबैत के साथ है हल्बैत ने किसी के ऊपर हमले नहीं किए बल्कि हमारे पास तो हुकूमतें दो हुकूमतें हैं एक रसूल अल्लाह की हुकूमत है एक अमीर अलमोमिन की हुकूमत है तो इस उन्वान से किसी के ऊपर कोई हमला नहीं हुआ हमारे पास जो दीन है वो दीन सुलह और आश्ती का दीन है मोहब्बत का दीन है किसी के ऊपर तकलीफ किसी को तकलीफ में मुबतला नहीं करना किसी को किसी के ऊपर बजोर शमशीर दीन को मुसलत नहीं किया जा सकता मुसलम होगा चीज हमारे पास मुसलमत होते हैं लेकिन उसको हम मुसलत नहीं करते मुसलम हो है हमारी चीजें उस पर हम जो है वो मजबूत है और उसका मानना जरूरी है लेकिन किसी और के ऊपर उसको मुसलत नहीं किया जा सकता तो ये चीजें जो है वो जरूरी और लाजमी है कि इस चीज़ को इंसान समझ जाए और दीन को सही तरीके से लोगों तक पहुँचा सके ये चीज़ें नहायती जरूरी है और यही से इंतजार का फलसफा समझ में आ जाता है कि मुराद जो है वो इंतजार से यही है कि दीन इस्लाम जो है वो गालिब आ जाए और अल्लाह के कवानीन जो है वो जमीन पर लागू किए जाए यकीनन जो अल्लाह के बनाए हुए कवानीन होंगे वो यकीन इंसानियत के फलाह बहबूद के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब वही है तो हम सब इस चीज़ में जो है वो दुआ करते हैं कि हजरत एवाम जबाना अजल्ला तरज व शरीफ के जहूर में इंशाला ताजील हो जाए और हम सब जो है हजरत के आवान और अनसार में शामिल हो सके वक्त हमारा इंतहा पर है और आखिर में हजरत खुदा के जहूर के लिए दुआ करते हैं अल्लाह मजल वली कल फर्ज